हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस का 2020 के एग्जाम के वेरियस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें से सबसे ज्यादा अगर एक सिंगल कंपोनेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट में से थे अगर हम जी सेक्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली सो करंट अफेयर्स ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन थे अब सबसे पहला सवाल ये वीडियो का थंबनेल देख करके या ये वीडियो स्टार्ट करके आपको लगा होगा सर अब 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चन हमने क्यों करने हैं ठीक है थेके? कि अब तो जब पेपर होगा तो डेफिनेटली नए क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सही आपका आ, सोचना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो नए आएंगे लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे

थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर एक क्वेश्चन है अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन है एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ करंट फैक्ट से रिलेटेड पूछ लिया लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यूज में रहता है अब काउंट करने को आप इसको चाहे काउंट मत करो करंट अफेयर में आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ स्टैटिक क्वेश्चन एनवायरमेंट पार्ट से या जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से ठीक है और काउंट करना चाहो तो आप इसको करंट अफेयर्स के अंदर भी काउंट कर सकते हो मैंने इसको करंट अफेयर्स के अंदर रखा है क्योंकि ये जो सारे मिसलेनियस इधर उधर के टॉपिक्स है ना अल्टीमेटली ये करंट अफेयर डिराइव्ड ही होते हैं ठीक है तो जैसे स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के ऊपर क्वेश्चन आ गया या समृद्धि सुकन्या योजना के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो कहीं ना कहीं ये स्कीम्स जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर रेफरेंस में रहती हैं और इसीलिए इसको हमने करंट अफेयर्स के पार्ट में रखा है नहीं तो आप स्कीम्स का अलग बना सकते हो कि हां जी ये स्कीम्स में से क्वेश्चन आया तो ओवरऑल हमने इसको करंट अफेयर्स के हेड के अंदर ही रख देना है ऑल राइट एंड इससे वीडियो को देखने से एक तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है जो स्कीम्स वगैरह वाला पार्ट है वो आपको आइडिया लगेगा ऊपर से जो जैसे इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन आया था तो करंट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या डाटा है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया और एक आइडिया आपको अच्छे से लगेगा कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कितना जो है वो वाइड हो सकता है ओके okay, इसीलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को बनाया गया है और राइट कुछ जो पॉइंट है इसके अंदर वो हम अभी लेक्चर्स के साथ के साथ ही देखेंगे और कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग से वीडियोज बनाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा कि जी इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा ओके okay, एंड बिफोर गोइंग इन टू दैट गाइस दिसमसीक्यूज लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन right. फट के ऊपर आओ पहला क्वेश्चन देखो क्या था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड uh, कुछ आपको गिवन है और आपको बताना है कि इन फैक्ट्स में से uh, कौन सा फैक्ट जो है इट इज नॉट करेक्ट विच फैक्ट इज नॉट करेक्ट ऑल राइट अ गिवीड गाइज राइट right. तो नॉट करेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया यूपीएससी का एग्जाम देने जब जाओगे तो करेक्ट करेक्ट नॉट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना और यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है पहला स्टेटमेंट कहता है कि एनजीटी 2010 में सेट किया गया था तो पता होना चाहिए कि ईयर क्या है दूसरा कहता है इसका पर्पज है टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस यानी कि फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेज रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की फटाफट से स को डिस्पोज ऑफ करना लंबे समय तक वो खिंचता नहीं रहना चाहिए तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोसीजर लेट डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से ये काम करेगा चौथा कहता है कि इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अक्सर न्यूज में रहता है लेकिन हम हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है ना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ लिया लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ा आगे ठीक है कोई उसके से रिलेटेड फैक्ट आया तो बॉडी के बारे में भी थोड़ा पढ़ो ना बेसिक तो पढ़ो बॉडी के बारे में अब देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 2010 में बना था दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस को आ, ये एक्सपीडिशियसली इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करेगा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है कि इट इज बाउंड बाय प्रोसीजर लेट डाउन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का प्रोसीजर नहीं लगेगा और इसका कारण यही है ताकि केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जगह ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो

और जब कोई बॉडी किसी एक्ट के अंदर बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेटरी बॉडी बोलते हैं ठीक है फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस तो एज इट इज स्टेटमेंट अगर आप एनजीटी की वेबसाइट खोलोगे ना उसमें अबाउट वाले कॉलम में जाओगे तो बिल्कुल सेम तो यूपीएससी के अंदर गवर्नमेंट सोर्सेज को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं ऑप्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज तो एज इट इज देख रहे हो स्टेटमेंट चिपका हुआ है पूरे का पूरा ऑप्शन के अंदर एनजीटी की स्टेब्लिशमेंट करने देखो एनजीटी क्या है एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल कोर्ट है एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है तो इंडिया ऐसा तीसरा देश था दुनिया में जिसने ऐसा एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था तो यहां पर भी एक हमारा काफी अच्छा नाम आ जाता है कि इंडिया थर्ड था अब देखो अगर वो इस टाइप का स्टेटमेंट डाल दे क्वेश्चन में दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर वो कहेगा इंडिया वॉज द थर्ड तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसीलिए डिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. एनजीटी को एज क्विकली एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ करना है एप्लीकेशन को विद इन सिक्स मंथस जब उनके पास एप्लीकेशन आएगी उसके छह महीने के अंदर अंदर करना है पांच प्लेसिज है इनकी सिटिंग्स की डेली प्रिंसिपल प्लेस है एक तरह से हेडक्वार्टर आप इसको बोल सकते हो उसके अलावा जो बाकी के चार हैं वो है आपके भोपाल पुणे कोलकाता और चेन्नई तो ये भी आपने याद रखना है प्रिंसिपल प्लेस है आपकी न्यू दिल्ली उसके अलावा भोपाल पुणे कोलकाता और चेन्नई स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होगा जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं ओके okay, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है थ्री इयर्स या फिर सिक्सटी फाइव ईयर्स की एज विच इज अर्लियर अगर वो तीन साल उनके पहले पूरे हो गए तो फिर वो हट जाएंगे अगर 65 के हो गए तो फिर दे विल हैव हाँ टू लीव द ऑफिस ओके 65 से ऊपर आप होल्डिंग कर सकते एंड री अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है अगर एक बार एक पर्सन एनजीटी के अंदर आ गया तो दैट पर्सन कैन नॉट बी री अपॉइंटेड ओके चेयर पर्सन को कौन अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और चेयर पर्सन को अपॉइंट करने के लिए पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे कंसल्ट किया जाएगा बाकी के जो जुडिशियल मेंबर्स हैं या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और यह सिलेक्शन कमेटी कौन बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी साथ ही साथ यह भी बोला गया कि इसके अंदर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 10 यानी कि 10 तो होने ही होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20 यानी कि 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पावर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो भी सिविल केस के अंदर आ, कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनवायरमेंट ओके या एनवायरमेंट लॉज के अंदर कोई राइट right की इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड एनफोर्समेंट से रिलेटेड तो वो केसेस एनजीटी के पास जाएंगे अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक यहां पर स्पेशल जजमेंट पास की थी उसमें इन्होंने क्या बोला कि एनजीटी के पास सो मोटू पावर्स भी हैं यानी कि अगर कोई अपील फाइल नहीं कर रहा है तो एनजीटी के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी इशू को अपने आप से भी फाइल कर सकते हैं इफ एनजीटी फील्स कि समथिंग बैड इज हैपनिंग रिलेटेड टू द एनवायरमेंट तो उस केस में एनजीटी खुद से भी एक्शन ले सकता है ओके नाउ बीइंग अ स्टैट्यूटरी एजुकेटरी बॉडी लाइक कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन साइड ऑन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एनजीटी आल्सो हैज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ठीक है एक तो हो गया एप्लीकेशन ही एनजीटी में फाइल कर रहे हो हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन पहले किसी दूसरे सिविल कोर्ट में फाइल की थी एंड वहां पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन तो आप अपनी अपील लेकर के भी एनजीटी के पास जा सकते हो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कोई लेना देना नहीं है एनजीटी से इसको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना ओके एंड ऑल्सो कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर अनाउंस करते हुए प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को भी एनजीटी फॉलो करेगा तो ये याद रखेंगे आप एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आ गया एक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया फिर आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आ गया और फिर आ गया आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल राइट एनजीटी अपने ऑर्डर से किसी किसी को रिलीफ या अनाउंस कर सकता है अगर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो एनजीटी जी ये बोल सकता है कि इस प्रॉपर्टी को दोबारा से आप रिस्पीटूट करें ठीक है जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिजॉल्व यहां पर करने को एनजीटी ऑर्डर दे सकता है ठीक है एनजीटी बोल देगा कि हाँ जी इसको थोड़ा सा आप जिस कंडीशन में पहले था उसी कंडीशन में लेकर के आए एनवायरमेंट में अगर इसी तरह का कोई डैमेज हो रहा है तो उसके रिस्टिट्यूशन के लिए भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है ओके okay, कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल अनाउंस करता है तो उसमें उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे किसी भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर का रहेगा उसके बाद जी एनजीटी के पास प्रोसीजर है अगर आ, कोई कंप्लाई नहीं करता एनजीटी के ऑर्डर के साथ तो एनजीटी फर्दर पेनल्टी लगा सकता है जेल और फाइन दोनों लग सकते हैं ठीक है जेल तीन साल तक की फाइन दस करोड़ रुपए तक का या दोनों को भी लगाया जा सकता है राइट right, अगर एनजीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी एनजीटी ने अगर कुछ ऑर्डर किया एंड वन ऑफ द पार्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड तो अपील कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में लेकिन 90 डेज के अंदर जब एनजीटी अपना ऑर्डर कम्युनिकेट कर देगी उसके 90 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो नॉट आफ्टर दैट ऑल उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं ओके एनजीटी बेसिकली सात इन्वायरमेंट रिलेटेड ऐसे लॉज हैं इंडिया में जिनके अंडर अगर कोई सिविल ऑफेंस होता है या सिविल केस होता है उसको एनजीटी मेनली हैंडल करता है तो वो कौन से कौन से एक्ट आ गए आपके उसमें आ गया आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एटी सिक्स Public लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 and Biological एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है लिस्ट को याद करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर पार्ट part में से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अगर आप यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन के पिछले एग्जामिनेशन सारे एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है एनजीटी Uh, जो है इन सारे एक्ट के अंदर जो सिविल केसेस होंगे उनको डील करेगा याद रखना है इसको ओके तो कोई भी वॉयलेशन होता है इस लॉ से रिलेटेड या सरकार कोई डिसीजन uh, लेती है इन लॉ से रिलेटेड तो उसको आप एनजीटी में जाकर के चैलेंज कर सकते हो ठीक है जी सो ऑल दिस इज अबाउट एनजीटी एनजीटी में अगर आपको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है ना तो अगर एनजीटी में से स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ये इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन था दो हजार के अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे दो हजार में से क्वेश्चन आया वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे दो हजार बाईस दो हजार बाईस तेईस का इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे दो हजार रिलीज हुआ है तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा क्वेश्चन क्या था कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होगा 2021-22 में एज पर इकोनॉमिक सर्वे ठीक है अब ये जो उस टाइम पर आंसर था उसको तो गोली मारो 11 परसेंट उसको मारो गोली ठीक है अब आप ये देख लो कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या है अब अगर आप इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे ना तो उसमें जो जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है वो क्या बोल रहे हैं कि 6 से 6.8 परसेंट ग्रो करेगा ये 6 से 6.8 क्यों एक सिंगल नंबर क्यों नहीं इन्होंने दिया क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आउट ऑफ इंडिया चलेंगी उसके ऊपर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डिपेंड करेगा अब इसी में ना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारे जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हमने कवर करने हैं ठीक है उसके ऊपर हम स्टैटिक फैक्ट्स का एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि अगर हम सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करेंगे ना फिर तो ये वीडियो दो तीन घंटे का हमें बनाना पड़ेगा तो इकोनॉमिक सर्वे का स्टैटिक फैक्ट्स का एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो 2022-23 का है वो आपके वीडियो आएगा करंट अफेयर्स की जो आपकी प्ले है ना करंट अफेयर्स ट्वेंटी टू वाली जो अभी नई करंट अफेयर्स की प्ले चल रही है आपकी उसके अंदर ये लेक्चर डलेगा ठीक है इकोनॉमिक सर्वे के जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो अगर आपने कर लिए और आप यूपीएससी एपीएफसी या यूपीएससी एओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हो मैं गारंटी लेने को तैयार हूं अगर वो वीडियो आपने कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा वो बन करके डलेगी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में ठीक है सो यू हैव टू वेट फॉर दिट वो आ जाएगी एक दो दिन के अंदर अंदर वो आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्रॉम फॉर द वर्ल्ड वर्ल्ड नीति इन नीति आयोग अब अगर ये क्वेश्चन कोई पेपर में गलत करके आता है तो फिर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो एक सीरियस कैंडिडेट है दो चीजें हैं या तो वो पढ़ाई करके नहीं गया कैंडिडेट ठीक है वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है दूसरी चीज कि इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर लिया कि अल्टीमेटली आप आंसर नहीं कर पाए तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा होती है एक और चीज है वैसे मैंने बोला ना दो तीसरी चीज क्या है कि अल्टीमेटली कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों को करने में इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं नीति आयोग को तो करंट अफेयर में पचास बार पढ़ेंगे क्योंकि नीति आयोग नीति आयोग ही लिखा होगा करंट अफेयर में उसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी होगी नीति आयोग को तो पचास बार पढ़ेंगे लेकिन हमारे कभी भी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि हम ये देख लेंगे नीति की फुल फॉर्म क्या है क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग का जो सिस्टम रहा ना शुरू से वो ऐसा ही रहा है कि हमारे अंदर वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट ही नहीं होती कि यार मैं ये तो देखूं कि नीति की फुल फॉर्म क्या है ओके okay, सो so ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है संडे ट्रीट क्वेश्चन है सीरियस कैंडिडेट का गलत नहीं होना चाहिए आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग से रिलेटेड यहां पर मैंने कुछ फैक्ट्स कवर किए हैं मेनली कॉम्पोजिशन से रिलेटेड क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं चेयरपर्सन होता है इनके प्राइम मिनिस्टर तो करंटली नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन होंगे पर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रीजनल काउंसिल्स इसके अंदर रीजनल काउंसिल्स का प्रोविजन भी है जिसमें स्पेसिफिक रीजनल काउंसिल्स स्टैब्लिश किए जाएंगे उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे ठीक है एडॉक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में से रोटेशन क्योंकि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है रोटेशनल बेसिस पे दो मेंबर एडॉक मेंबरशिप पे आएंगे फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मैक्सिमम चार यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर हु विल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स सीईओ अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ठीक है और ये फिक्स टर्म के लिए होंगे एंड सीईओ बनने के लिए क्या कंडीशन है कि इनका रैंक जो है सरकार में सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए एंड स्पेशल right. इसके अंदर रहेंगे सरकार एक्सपर्ट्स को स्पेशलिस्ट को ठीक है जिनके अंदर, जिनके अंदर पास अलग अलग फील्ड्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर एज द स्पेशल इन्वाइटीज तो ये कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामी गंगे प्रोग्राम नमामी गंगे प्रोग्राम आया था 2015 में क्वेश्चन आया 2020 में तो क्या 2023 में नहीं क्वेश्चन आ सकता बेटा जो स्कीम में चल रही है ना स्कीम्स को इस बेस पे मत जज करो कि सिर्फ जो 2022 में स्कीम्स आई हैं या जो 2023 में नई स्कीम्स आई हैं सिर्फ उसमें से एमसीक्यू आएंगे उल्टा उनमें से सबसे कम एमसीक्यू आते हैं उनमें से सबसे कम एमसीक्यू आते हैं जितनी आप स्कीम्स देखोगे ना जितनी स्कीम्स में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी के ट्वेंटी के सीपीएफओ के एग्जाम में वो कोई भी स्कीम ऑलमोस्ट 2020 की है ही नहीं वो सारी स्कीम्स तीन साल चार साल पांच साल पुरानी है तो स्कीम्स को इस बेस पे नहीं जज करते कि वो नई है या पुरानी है स्कीम को इस बेस पे जज करते हैं कि वो अभी ऑपरेशनल है या नहीं है ठीक है और स्पेशली अगर वो स्कीम जो है वो सरकार की एक तरीके से ट्रेडमार्क स्कीम है कि हाँ भाई जिसपे सरकार अपनी छाती ठोकती है कि हाँ हमने ये स्कीम बनाई है है ना तो नमामि गंगे प्रोग्राम से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड करेक्ट नहीं है नॉट पहला कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है दूसरा कहता है कि स्टेट्स ऑफ यूपी बिहार और उड़ीसा को कवर करता है ठीक है मेक विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है डी कहता है कि ट्रांसफॉर्म सम विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एज गंगा ग्राम्स अगर मेरे को नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में नहीं भी पता ना और मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करूं तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आंसर कर दूंगा क्यों मेरे ना ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन बी दिमाग में खटक गया मेरे से पूछ रहा है नॉट करेक्ट अब देखो नमामि गंगे प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है विलेजेस को हम बात कर रहे हैं गंगा ग्राम्स बनाने हैं तो मेरे दिमाग में ठनकता है यार कि गंगा सिर्फ तीन स्टेट से तो नहीं निकलती ना यूपी बिहार और उड़ीसा तो नहीं है ना है ना उसके अलावा भी स्टेट्स आनी चाहिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल कहा है है ना और उड़ीसा के अंदर तो गंगा बेसिन है ही नहीं तो उड़ीसा को क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है

इंप्लीमेंटेशन इसकी कौन करेगा नेशनल मिशन फॉर ग्लीन गंगा और जो भी स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गंगा स्टेट है उन्होंने जो स्टेट के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो इसके अंदर पार्टनरशिप में काम करेंगी जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो इम्प्लीमेंटेशन विंग रहेगा नेशनल गंगा काउंसिल का जिसको 2016 में बनाया गया था बेसिकली ये नेशनल गंगा काउंसिल ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस किया था इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने बीस हजार करोड़ की सेंट्रल फंडिंग नॉन एक नॉन लैपेबल फंड यानी कि जो लैप्स नहीं होता फंड ठीक है तो ये बीस हजार करोड़ का फंड क्रिएट किया है और इसके अंदर करंटली अराउंड मोर देन टू एटी एटेक्ट जो है ये ना यूपीएससी ने सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा ये वाला क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम्स में काफी बार आया जो ये रेलवे जोनल्स वाला क्वेश्चन है रेलवे जोनल्स के हेडक्वार्टर्स तो आपसे पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ठीक है तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर सेंट्रल वो याद किए हुए हैं जोनल रेलवे के तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा अगर आप बाकी के एग्जाम्स दे रहे हो यूपीएससी के जैसे सी डी एस या एस एस सी वगैरह का भी एग्जाम दे रहे हो ना तो याद कर लो फायदे में रहोगे कुछ लोग आपको कहेंगे कि ना मत याद करो एक क्वेश्चन ही तो छोड़ देना ऐसे तो अगर एक एक क्वेश्चन करके सारे छोड़ने लगे फिर तो सभी छूट जाएंगे और ये हेडक्वार्टर्स वाला क्वेश्चन ना बहुत पेपरों में पूछ लेते हैं वो ठीक है तो एक ऐसी चीज है जो आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेगी आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन है सेंट्रल का नागपुर ठीक मैच नहीं है तो लिस्ट दे रहा हूं आपको ये लिस्ट है जो आपके रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर है सेंट्रल का बेटा मुंबई सीएसटी में है ईस्टर्न कोलकाता ईस्टर्न सेंट्रल हाजीपुर ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर नॉर्दर्न है न्यूडेली में नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में आप इसको प्रयागराज कर लीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न है गोरखपुर में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है मालीगांव गुवाहाटी में नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर में सदरन चेन्नई में साउथ सेंट्रल आ गया आपका सिकंदराबाद साउथ ईस्टर्न है कोलकाता में साउथ ईस्ट सेंट्रल है बिलासपुर में साउथ वेस्टर्न है हुबली में वेस्टर्न है मुंबई चर्च गेट में एंड फाइनली आपका वेस्ट सेंट्रल है जबलपुर में तो ये 16 रेलवे जोन में इंडियन रेलवे डिवाइडेड है और इनके हेडक्वार्टर्स आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए एक बार में नहीं होंगे ठीक है इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा स्क्रीन ले लो इसका अभी और स्क्रीन लेकर के मोबाइल में सेव रख लो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो बस में ट्रेवल कर रहे हो घर वाले जबरदस्ती किसी की शादी या किसी के फंक्शन में ले गए तो वहां पर मोबाइल खोल करके इंस्टाग्राम चलाने की जगह वो अपना स्क्रीनशॉट निकाल करके याद करने की कोशिश करना पेपर क्लियर हो गया तो इंस्टाग्राम और फेसबुक कोई जानता भी नहीं तुम्हें वहाँ पर है ना? In 2021. अब देखो ये अपने लिए नहीं है 2021 के रिपब्लिक डे में से कौन सवाल पूछेगा लेकिन मेरे को पॉइंट क्लियर हो गया रिपब्लिक डे में से क्वेश्चन आ सकता है तो 2023 में जो आपका रिपब्लिक डे हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अपने को याद करने हैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनेगा अगेन करंट अफेयर्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये वीडियो मैं डाल दूंगा ठीक है तो अभी तक अपने दो वीडियो के कमिटमेंट हो गए एक तो इकोनॉमिक सर्वे वाला और एक रिपब्लिक डे वाला हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी बांग्लादेश पर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन से ये समझना है कि रिपब्लिक डे के फैक्ट्स अपन ने करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी ऑपरेशन गर्म हवा सर्द हवा ये कौन कंडक्ट करता है ए बी एस एफ बी आई टी बी पी सी सी आर पी एफ सी डी सी आई एस एफ एक्सरसाइजेज डिफेंस की सारी की सारी करके जानी है क्वेश्चन उनमें से आता ही आता है ठीक है तो जितनी भी एक्सरसाइजेस है अगेन वो हम करंट अफेयर्स के अंदर एक वीडियो बनाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो दिसंबर 2022 दिसंबर नहीं अक्टूबर 2022 से लेकर के जो मार्च तक की है उसको एक वीडियो में कवर करूंगा और मार्च के बाद वाली जब हम एग्जाम के पास होंगे तब कवर करूंगा तो यह हो गई हमारी थर्ड कमिटमेंट वीडियो की ठीक है ये तीनों वीडियोस आने वाले दो तीन दिन के अंदर आ जाएंगी आपकी इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स, उसके बाद आपके फैक्ट्स रिलेटेड टू द रिपब्लिक डे 2023 परेड और फिर आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस ओके सो बीएसएफ की है बेटा गर्म हवा और सर्द हवा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है असम के अंदर एक ब्रिज बनेगा जो ढुबरी और फुलबारी को कनेक्ट करेगा यह ब्रिज ब्रह्मापुत्रा नदी के ऊपर होगा अब देखो यहां पर तो इसने गिवन दे दिया कि यह ब्रिज ब्रह्मापुत्रा के ऊपर होगा वो ये भी पूछ सकता था कि ढुबरी और फुलबारी के बीच में जो ब्रिज बनना है वो कौन से रिवर के ऊपर बनेगा तो ऑप्शन में चार रिवर दे देता दे तो आपको आंसर करना होता तो बेटा ढुबरी तो है आपका आसाम में ठीक है और फुलबारी बेसिकली कौन सी स्टेट में आपको ये बताना है आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी सो so, डुबरी फुलबारी प्रोजेक्ट ये इसके ऊपर एक फोर लेन ब्रिज बनेगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर डुबरी जो है वो नॉर्थ बैंक पे है के और फुलबारी साउथ बैंक में है ठीक है एनएच वन बी पे ये लोकेटेड होगा एंड बेसिकली एनएच ट्वेंटी से ओरिजिनेट होगा एंड फाइनली एंड होगा एन एच पे डुबरी आसाम में फुलबारी जो है वो मेघालय में है दो हजार तक इसका टाइमलाइन है इसको फिनिश करने का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन है इंडिया इज सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है करेक्ट पूछा है मैंने सर्कल कर लिया भाई पहले कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो पहला कहता है कि इंडिया सिग्नेटरी है रामसर का दूसरा कहता है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है और तीसरा कहता है कि इंडिया में करंटली 76 रा, रामसर साइट है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक तो है तो इजी क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन का इजी क्वेश्चन है बच्चों ने पढ़ा होता है करंट अफेयर में बार-बार इसका जिक्र आता है आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी उस टाइम पर इंडिया में 76 रामसर साइट्स नहीं थी ठीक है सो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा रामसर कन्वेंशन के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो चार वीडियो की कमिटमेंट हो गई अब ये मत सोचना कि ये ऐसी ही कमिटमेंट होती जा रही है जब मैं ये वाली पीपीटी क्रिएट कर रहा था ना तभी मैंने अपने कागज के ऊपर लिख ली थी कि जी ये ये ये, ये वीडियो हमको बनानी है ठीक है तो चार विडियोज हो गई है अगेन इकोनॉमिक सर्वे रिपब्लिक डे उसके बाद हमने कौन से की बात की थी एक और हमने अभी पीछे बात की थी ना डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड चौथी हो गई आपकी रामसर कन्वेंशन इसके ऊपर मैं सारी रामसर कन्वेंशन की साइट्स भी कराऊंगा आपको चलो जी उसके बाद आ जाओ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है पीएम कृषि सिंचाई योजना का जब मैं किसी भी बच्चे को स्कीम कराता हूं ना और अगर मैं उन उन उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूं तो बच्चे ना बड़े लाइट से हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन पूछेगा सर फैक्ट कराओ स्कीम में फटाफट कहा कितने पैसे कौन क्या कितना वो बताओ ऑब्जेक्टिव सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते एंड यूपीएससी के अंदर ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है तो कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो ना उसके ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ो क्योंकि उसमें से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आएगा बैंक के एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में आएगा तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऊपर था तो कोई भी अगर आप स्कीम खोलोगे ना तो उसमें सबसे पहले उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं अगर आप पी खोल लो या कोई भी गवर्नमेंट सोर्स खोल लो जहां पर उस स्कीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होंगे और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखे हैं ऐसा भी नहीं है कि वो लैंग्वेज चेंज करेगा तो विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए कहता है प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड बी कहता है इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन सी कहता है कि एक्सपैंड कल्टिवेलबल एरिया अंडर इरीगेशन और तीसरा कहता है वाटर यूज एफिशेंसी अब मैंने इसको क्यों कवर किया मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं अपना दिमाग लगाना सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पेपर में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आते होंगे सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा हुआ होगा दिमाग लगाना क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मेरे को ये समझ में आ गया कि ये कुछ स्कीम है इरिगेशन से रिलेटेड ऑप्शन बी में इरिगेशन की बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट लेकर के आनी है ऑप्शन सी में भी इरिगेशन की बात हो रही है कि एरिया अंडर इरिगेशन को इंक्रीज करना है ऑप्शन डी में भी इरिगेशन की बात हो रही है कि जो हम इरिगेशन यूज कर रहे हैं उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो तीनों के अंदर इरीगेशन की बात हो रही है बस ये वाला एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर इरीगेशन की बात नहीं हो रही मेरे से से पूछा फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव तो मैं यहां कर सकता हूं कि यार ये तो तीनों में इरिगेशन की बात हो रही है इसमें नहीं हो रही तो मेरा आंसर ऑप्शन ए मैं कर दूंगा ठीक है और ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब भी होगा हाल फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सबसे पहले देखो कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन ठीक है इसके लिए क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाएंगे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाएंगे ताकि जो अलग अलग एरिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है ना इरिगेशन में उसको कन्वर्ज करके एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसके अंदर की जाए ठीक है फिजिकल एक्सेस ऑफ वॉटर इंप्रूव करना है ताकि हर खेत को पानी मिले पानी की अवेलेबिलिटी को बेसिकली इसके अंदर इंप्रूव करना है उसके बाद जी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जिससे बेसिकली आप वाटर को और ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सको उनका एफिशिएंटली यूज कर सको उन टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है फार्मर को एनकरेज करना है कि वो वेस्टेज को कम से कम करे ठीक है उसके बाद प्रिसीजन इरिगेशन को प्रमोट करना है जिसके अंदर आपका ड्रॉप ड्रिप एग्रीकल्चर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे जो सोर्सेज हैं वो आ जाते हैं माइक्रो इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर कम से कम वाटर की वेस्टेज होती है वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज करना है ताकि सस्टेनेबल वे में हम एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकें रेनफेड एरियाज का डेवलपमेंट करना है एक्सटेंशन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वाटर हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट बेसिकली एजुकेशनल जो एस्पेक्ट है अवेयरनेस एस्पेक्ट है उसके ऊपर काम करना है कैसे ट्रीटेड म्यूनिसिपल वाटर को यूज किया जा सकता है री किया जा सकता है अर्बन एग्रीकल्चर के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इरिगेशन में एनकरेज करना है। तो ये सारे के सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं अगर आप कोई भी साइट खोलोगे और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पढ़ोगे गवर्नमेंट साइट पीआईबी कोई भी खोलोगे एज इट इज आपको ये पॉइंट मिलेंगे और एज इट इज ही क्वेश्चन के अंदर मेंशन थे ठीक है तो एक बार इनको रीड कर लेना है लेक्चर के बाद पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी है और इसको अच्छे से रीड करना है पीडीएफ फाइल जो लोग भी परचेज कर रहे हैं नाइनटी नाइन रुपीज पे करके बेटा नाइन्टी नाइन रुपीज में बार बार बोल रहा हूँ कि ये नाइनटी नाइन रुपीज में मैं कुछ कमा कमा तो देखो मैं वैसी कुछ नहीं रहा हूं कमाने की तो इसमें सवाल ही नहीं उठता कि मैं नाइनटी नाइन में कुछ ताजमहल बना लूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके अंदर सीरियसनेस एनकरेज करने के लिए है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन 1965 कौन सी जगह पर हुआ था ये पीआईबी के अंदर न्यूज आई थी उस टाइम पर 2020 में आया था ये क्वेश्चन 2021 में 2019-20 में ये पीआईबी के अंदर आया था ठीक है एक स्टेटमेंट आई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर और वहां से उन्होंने ये बना करके क्वेश्चन डाल दिया तो कहां पर पहला एशिया का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था 1965 में इसका आंसर है ऑप्शन बी कांडला के अंदर बना था दोस्तों ये ठीक है कांडला के अंदर 1965 में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन क्या होते इंपोर्ट करो और उन कैपिटल गुड्स को आप यूज करते हो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस, जिसको आप फर्दर फिर एक्सपोर्ट करोगे तो कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो बनाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था जी की वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर्स ठीक है तो एलपीजी कस्टमर्स के लिए जो सब्सिडी वगैरह है उसको कैसे टारगेटेड फॉर्म uh, में जो लोग कवर्ड हैं उन तक पहुंचे उसके लिए कौन सी स्कीम है एंड दैट इज योर ऑप्शन इज सहज इसके अंदर ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे स्कीम्स जब हम कवर करेंगे सहज हम उसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्लेयर टू द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स विकेट अभी ये तो देखो 2023 में तो कहा ही पूछेगा यह सवाल लेकिन ये क्वेश्चन देख करके एक आइडिया लगा लेना है कि स्पोर्ट्स में अब देखो सारी स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे बैंक के अंदर तो हम सारी स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ते हैं बैंकिंग अफेयर्स में तो जब हम बैंक के लिए तैयारी करते हैं यहां पर बहुत सिलेक्टेड स्पोर्ट्स की न्यूज करनी है जैसे अगर कोई फर्स्ट है फर्स्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट इन हिस्ट्री वो टाइप कर सकते हो ठीक है जहां पर इंडियंस ने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किया है स्पेशली वहां पर जरूर काम करेंगे तो यहां पर आपका आंसर था रविचंद्रन अश्विन बट अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डेज के ऊपर क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मिडल पाथ सिविल सर्विसेज के के अंदर डेज अंदर क्वेश्चन बहुत लीस्ट चांस में आते हैं लेकिन बैंक में आते हैं और यहां पर आपसे डेज पे क्वेश्चन पूछा है तो इसमें देखो क्या आगे बना है कि फेब्रवरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है सिंस टू ठीक है एंड आइडिया बेसिकली ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करने का किसका इनिशिएटिव था ऑप्शन ए श्रीलंका बी बांग्लादेश सी इंडिया डी नेपाल अच्छा कभी भी न, पेपर के अंदर नहीं बनना। बच्चे ऐसे मत करके आना ठीक है आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बांग्ला देश तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अगर हम बात करें ट्वेंटी फर्स्ट को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है ठीक है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करता है 2023 का जो थीम था जो इस बार 21 फरवरी का थीम था दैट वाज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना ओके okay, बांग्लादेश का इनिशिएटिव था बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जैसा कुछ सेलिब्रेट करेंगे एंड यूनाइटेड नेशन एजेंसी इनिशिएटेड द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ये एक एडिशनल फैक्ट है जो आपने याद रखना है ठीक है यूएन ने बेसिकली क्या डिक्लेयर किया है uh, 2022 से 2032 तक को डिकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन था जी नगोजी ओकॉन्जो विला वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अब इस टाइप के फैक्ट्स फर्स्ट वुमेन ठीक है फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन रिलेटेड फैक्ट्स सारे आपके टिप पे होने चाहिए ओके okay? तो डब्ल्यूटीओ की पहली बार कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल थी तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे ऑप्शन सी नाइजीरिया कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट के पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये पूछ चुका है क्वेश्चन और फिर भी लोग कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता बेटा यूपीएससी को जो लोग सीरियसली लेते हैं ना उनको पता होता है कि यूपीएससी कितना रिपीट करता है ये एक मिथ है कि यूपीएससी रिपीट नहीं करता लेकिन यूपीएससी कॉपी नहीं है यूपीएससी बहुत स्मार्ट है ठीक है वो स्मार्टली कॉपी करता है, ओके, तो कालादान ट्रांजिट प्रोजेक्ट ये इंडिया को किस कंट्री के, so, के बॉर्डर के साथ और इंडिया और म्यांमार का ये जॉइंट इनिशिएटिव था बेसिकली इससे बेसिकली क्या ट्राई किया जाएगा कि म्यांमार से म्यांमार से शिप होकर आएगा सामान एंड अल्टीमेटली उसको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में कैसे जो है पहुंचाया जा सके इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो जो ट्रांजिट रूट है नॉर्थ ईस्टर्न तक गुड्स लेके जाने का उसको कम करने के लिए बेसिकली ये सितवे प्रोजेक्ट को इंडिया यूज करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन था जी सुकन्या समृद्धि योजना अब देखो ये कोई 2021 की स्कीम थी या 2020 की स्कीम थी पुरानी स्कीम है लेकिन क्वेश्चन आ गया सिंपल था क्वेश्चन कि मैक्सिमम अमाउंट कितना आप डिपॉजिट कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है वन लाख तो सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली गर्ल चाइल्ड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है इसके अंदर बेसिकली क्या बोलते हैं कि कोई भी किसी भी घर में अगर गर्लचाइल्ड होती है उसके जन्म से लेकर के उसके टेन इयर्स की एज तक ठीक है जब तक वो दस साल की नहीं हो जाती तब तक आप अकाउंट खोल सकते हो नॉट आफ्टर शी इज ऑफ टेन ईयर्स ऑफ एज उसके बाद नहीं जन्म से दस साल की उम्र तक आप अकाउंट खोल सकते हो मिनिमम आपको ढाई सौ रुपए इसके अंदर डिपॉजिट करने हैं ठीक है साल में उसके अलावा आपकी मर्जी है ढाई से ऊपर आप कितने भी करो इन मल्टीपल्स ऑफ फाइव यानी कि ढाई सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ जितने मर्जी करो लेकिन मैक्सिमम डेढ़ लाख है एक साल में मैक्सिमम डेढ़ लाख है और जो भी आप पैसा इसके अंदर डालोगे उसके लिए आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा वो बेसिकली आपकी टैक्सेबल इनकम में से आप डिडक्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन एटीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ठीक है तो जितना पैसा आप इसमें डालोगे उस पर आपको फिर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन था जी अटल पेंशन योजना में मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं जो सोशल सिक्योरिटी की मेरी स्कीम्स में कर रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की प्लेलिस्ट के अंदर उसमें मैं ये अटल पेंशन योजना ऑलरेडी कवर कर चुका हूं तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आंसर है बी ठीक है उसका वीडियो का जो सोशल सिक्योरिटी वाली जो प्ले है मैं एंड में लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के एंड में वो देखना जरूर उसके अंदर सारी वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बुक्स किस तरह की करनी है ऐसा नहीं कि किसी भी चपड़गंजु ने कोई बुक लिख दी और वो करंट अफेयर की बुकलेट्स के अंदर आ जाती है उसको याद करने बैठ जाओ बहुत सिलेक्टेड बुक्स को यहाँ पर कवर करना है पेपर से कुछ टाइम पहले पेपर से दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन पहले मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि हां जी ये ये किताबें आपने याद रखनी है ठीक है बेसिकली वो किताबें किसी अच्छी बड़ी पर्सनालिटी ने लिखी है प्रधानमंत्री अब कोई किताब लिख दें अगर तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी राष्ट्रपति कोई किताब लिख दें तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस टाइप की किताबें करनी होती हैं ये किताब थी ऑप्शन ए दलाई लामा पराक्रम दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है डेज बेस्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज हम कर ही रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के अंदर भी आंसर है ऑप्शन ए तेईस जनवरी उसके बाद जी अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था ना बेटा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है करंट अफेयर का क्वेश्चन है ठीक है अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले ना एक सीनरी चोरी हो गई थी ठीक है अ कॉपी ऑफ द फेमस सिक्सटीन सेंचुरी आर्ट वर्क वर्कर मुंडी वॉज रिपोर्टेडली स्टोलन बट फिर उसको पुलिस ने रिकवर कर लिया इटली में तो ये पेंटिंग किसकी है जो सिल्वेट और मुंडी की आया चोरी हुई चोरी के बाद रिकवरी हुई वो न्यूज में आया तब ये क्वेश्चन बना है ना तो करंट अफेयर्स पे इसी तरीके से नजर रखनी है इंपॉर्टेंट वो करनी है अब इसके अंदर भी ना बहुत सारी लल्लू पंजू रैंकिंग आती है ठीक है कल को मैं खड़ा हो जाऊं मैं रैंकिंग करने बैठ जाऊं और वो करंट अफेयर में आ जाए तो क्या वो यूपीएससी पूछेगा नहीं तो वो रैंकिंग्स जो है वो भी बहुत सिलेक्टेड वे में करनी होती है जो हम करंट अफेयर्स के अंदर कवर कर रहे हैं इसका आंसर था ऑप्शन सी बट ये अब अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो नई रैंकिंग्स आएंगी वो हम करंट अफेयर्स के अंदर देखेंगे नेक्स्ट था जी अगेन करंट अफेयर्स में से स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन वुमेन सिंगल टाइटल कहते हैं कि नॉमी ऑस्का ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का तो किसको उन्होंने डिफीट किया था जीता तो बताया हुआ डिफीट किसको किया था आंसर था ऑप्शन बी जेनिफर ब्रेडी आपके चार ओपन होते हैं टेनिस के वो चारों ओपन के जो विनर्स हैं और जो लूजर्स हैं ठीक है जो रनर्स अप हैं, वो याद करने ही करने हैं हमने ठीक है जी सो दीज वगर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन गाइस आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि करंट अफेयर्स की जब आप तैयारी करो तो किस तरीके से और क्या अप्रोच लेकर के अल्टीमेटली आपने तैयारी करनी है ठीक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा विद दिस कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर का इस पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. टेलीग्राम पे पूछो व्हाट्सएप करो मेल करो जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय